शिक्षा विभाग और स्टाफ की बड़ी लापरवाही आई सामने। पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से पहुंचे। धार जिले के टाटा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आज कक्षा 5वीं 8वीं की पूरक की परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से पहुंचे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था, किंतु प्रश्न पत्र 9:45 पर पहुंचे, जिससे विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ा। केंद्राध्यक्ष रुमाल सिंह जमरा ने बिजली न होने के कारण देरी होने की बात कही। वहीं विद्यार्थियों के समय के नुकसान की भरपाई के लिए परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त देने की बात भी कही। वहीं पूरे मामले की जानकारी धार कलेक्टर को भी दी गई है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सर, कुल कितने बच्चों की एग्जाम होना थी आज? 100 बच्चों की होना थी, उसमें से 6 बच्चे उपस्थित थे। मतलब 94 बच्चे अनुपस्थित थे। हाँ, 94 अनुपस्थित थे। और पांचवी में 117 की होना थी, उसमें से 23 बच्चे उपस्थित थे। अनुपस्थित कितने हैं? 5, 3, 4 बच्चे अनुपस्थित है इसमें। और सर, कितनी टोटल कितने बच्चों की एग्जाम होनी थी मतलब आज? 117 की। टोटल 8वीं 5वीं 8वीं 8वीं 5वीं 217 की। 217 बच्चों की एग्जाम होना था। उपस्थित कितने हैं टोटल? टोटल 129 बच्चे। और सर, पेपर जो लेट होने की सूचना है, कितने मिनट लेट आए पेपर? 40 मिनट लेट आए। तो बच्चों को लाभ मिलेगा इसका? इस चीज का लेट आए, इस चीज का बच्चों को लाभ मिलेगा? देगा थोड़ा समय तो। कितना? पूरा 45 मिनट मिलेगा या फिर कितना? आधा घंटा मिलेगा। मतलब 15 मिनट का तो नुकसान है बच्चों का। और सब लेट आए, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? एक मिनट फिर से लेना पड़ेगा। ऑनलाइन निकलने में देरी हो गई, यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से बाग से। पर सर, जो कल ग्रीड के द्वारा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही सूचना दे दी गई थी कल लाइट नहीं देगी। सर, हम नहीं जुड़े हुए उस ग्रुप से। तो दूसरे शिक्षकों ने आपका अवगत नहीं कराया? नहीं, नहीं करवाया। आपका नाम? रुमाल सिंह जमरा। केंद्राध्यक्ष? सहायक केंद्राध्यक्ष कौन है? सुखराम भरिया। Subscribe now to most exciting channel ever.